तुम्हारी माँ तो बड़ी गैरतमंद बन रही थी। उस दिन मेरी इतनी बड़ी ऑफर को उसने ठुकरा दिया सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर। लेकिन अब पता चला कि तुम्हारी माँ ने हमें अलग करके और नोमान को अकेला अपने जाल में फंसाने की चाल चली। सही कहते हैं, ये जो छोटे घर के लोग होते हैं ना, इनका दिमाग इसी किस्म की चालबाजियों में चलता है। मामा प्लीज, आपको आपको जो कहना आप मुझे कहने, लेकिन मेरी मामा के लिए कुछ भी ना कहे। चुप, खबरदार जो मुझे मामा कहा। तुमसे मुझे किसी अच्छे काम की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगे कि किसी लड़की को उठा के घर ले आओ, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पापा, ये लड़की मेरी बीवी है। दुआ बद्दुआ जबरदस्ती नहीं दी जाती, ये तो सामने वाले के अमल पर खुद ब खुद दिल से निकलती है। और मेरे दिल से फायजा के लिए दुआ नहीं निकल रही। देखना, जब उनका गुस्सा उतर जाएगा ना, तो वो फायजा को माफ कर देगी। नहीं मलिया, मैंने अम्मी को हमेशा ऐसा ही देखा है, या तो वो सख्त फैसला करती नहीं है कभी, लेकिन जब करती है उस पर कायम रहती है।